बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हमने 6.9 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है जो कि है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसे ये मेथड से, एक मेथड से पहला क्वेश्चन होगा, उसी मेथड से बाकी सारे भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 2x-7y = 11, 5x-10y = 10। ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब करना ये है कि जो हमारे पास राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको भी उठा के हमने क्या करना है, इस साइड पे ले आना है। इसके साथ प्लस का साइन है, जब इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये भी इधर आ जाएगा, और हमने यहाँ पे इक्वल के उस साइड पे जस्ट जीरोज़ रखने हैं। ठीक है, क्या रखने हैं, हमने जीरोज़ रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं री राइट द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को री राइट करना है, री राइट द क्वेश्चन या री राइट द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को हमने री राइट करना है, और री राइट हमने कुछ इस तरह से करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको भी उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे और इक्वल के साइड पे जीरोस पुट करेंगे। अब है 2x-7y = 11, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया, ज़ीरो। इसी तरह से 5x-10y = 10, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = 0। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाएंगी। ये स्टेटमेंट आपके पास बन गई है 3। ठीक है, और ये स्टेटमेंट कौन सी बन गई आपके पास, 4। अब हमने करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से नहीं करनी है। हमारे पास जो कोफिशेंट दिए हुए हैं, यानी कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने जस्ट वो ही लिखना है, क्योंकि हमने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने सिर्फ कोफिशेंट लिखने हैं और ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है, और इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर जो है वो हमारी स्टेटमेंट बनाते हैं, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिटेचिंग द कोफिशेंट्स एंड राइटिंग। ठीक है, Detaching the coefficient and write, यानी कि हमने इसमें से सिर्फ कोफिशेंट लेने हैं और उनको लिखना है, और उसके बाद हमने क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं x के कोफिशेंट। x के कोफिशेंट क्या है, 2 और 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास y के कोफिशेंट। साइन आपने ज़रूर लिखना है, जैसे y के 7 के साथ आपके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम माइनस लिखेंगे, -7, और y के दूसरे वाले के साथ क्या आएगा, -10। सिंगल में आपकी, यानी कि कांस्टेंट में आपके पास क्या है, -11 और -10। इसी तरह से ये जो हमने कोफिशेंट लिखे हुए हैं ना, ये जो पूरे कोफिशेंट लिखे हुए हैं, इनको हमने क्या करना है, रीराइट करना है। इसको हमने 2 बार लिखना है। ठीक है, इन्हीं इसी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, रीराइट करना है, 2 बार लिखना है। एक्स के कोफिशेंट क्या है हमारे पास, 2 और 5। वाई के कोफिशेंट क्या है हमारे पास, -7, -10, और हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ क्या आएंगी, -11 और -10। अब जो आपने इसमें मेथड करना है वो ये होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्स के हमारे पास है वेरिएबल कोफिशेंट है उसको, और लास्ट हमारे पास जो रह जाएंगे ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स, ये हमारे पास बन गया वाई, और ये हमारे पास बन गया 1। ठीक है, ये हमारे पास 1 की वैल्यू बन जाएगी। एक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसे करना है, एक्स की वैल्यू को वाई के साथ, फिर एक्स की वैल्यू को वाई के साथ, पहली वैल्यू को एक्स के साथ वाई के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को भी वाई के साथ, फिर वाई की वैल्यू को कांस्टेंट के साथ। ठीक है, फिर वाई की वैल्यू को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप लोग नोट करें, 7 × 10, 10 × 7। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। मैं पहले साथ साथ सॉल्व करती जाती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। हमारे पास x क्या आया यहाँ पे, x, और ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस तरह से -7 × -10, और मल्टीप्लिकेशन में सेंटर में जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद -10 ×
11, ये हो गया आपके पास x की वैल्यू। अब आगे हमारे पास y की वैल्यू, y में भी इसी तरह से ओवर की फॉर्म में। अब क्या करना है, y में माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। क्या है यहाँ पे, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में माइनस का साइन, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5। यूँ नहीं करना है आपने कि 10 को पहले मल्टीप्लाई कर दें और 11 को बाद में मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं। फर्स्ट वाली वैल्यू को सबसे पहले, ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सेकेंड जो आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो रह जाता है वो है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी कि 1 की वैल्यू। अब हमने 1 की वैल्यू को भी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 1 की वैल्यू को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी आपकी, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, माइनस का साइन, उसके बाद माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय सॉरी माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। एक्स में यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, माइनस टू माइनस हो जाएगा प्लस, 10 सेवन जस 70, ठीक है। और उसके बाद माइनस एज इट इज़, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया वाई, वाई आपके पास क्या आ जाता है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 11 टू जर 22, माइनस 22, ठीक है, 10 फाइव जर 50 और प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस और ये माइनस 50, और वन में हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर 2 10 माइनस 20, माइनस और माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, 7 फाइव ज़ार 35। यहाँ पे भी इसी तरह से मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये देखिए माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से प्लस माइनस करते हैं, एक्स हमारे पास क्या आया, वाई हमारे पास क्या आएगा और वन हमारे पास क्या आता है, ठीक है। एक्स में है 70 में से हमने 110 माइनस करना है, 70 में से जब हम 110 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, 70 में से जब हमने 110 को मतलब 110 में से हमने 70 को माइनस किया, 11 में से हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास रह जाएगा 40, ठीक है। यानी कि हमारे पास माइनस 40 रह जाता है, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 40। इसी तरह से y में हमारे पास क्या आएगा, 50 में से हमने 22 माइनस कर दिया, 50 माइनस 22, 10 में से 2 जाएंगे 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 यानी कि 28। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 28 आ जाएगा। और इसी तरह से 35 में से 20 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 35 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 15, ठीक है, प्लस का 15, ये यहाँ पे भी हमारे पास ठीक है प्लस का ही आया। अब हमने इसमें से फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज़ और वन्स की वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास जो x आया है वो भी उसके 1 ओवर 5 पे इक्वल आएगा, ठीक है। हमने दोनों वैल्यूज़ को इसी तरह से लिखना है, x इज़ इक्वल टू, ठीक है, x ओवर माइनस 40, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 ओवर 5। अब ये 1 ओवर 15 x, यहाँ पे हमने x फाइंड कर लेना है इसी तरह से, और इस तरह से हमने y भी फाइंड करना है, y ओवर 28 है हमारे पास इज इक्वल टू 1 ओवर 15, ठीक है। 40 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40। इसी तरह से y इज एज इट इज़ 1 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। 15 हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कटिंग कर देंगे, 5 थ्री ज़ार 15 एंड 5 एट ज़ार 40। तो हमारे पास x क्या आया, माइनस 8 ओवर 3, और y में हमारे पास क्या आया, 3 के टेबल में कटिंग नहीं हो रही, 5 के टेबल में भी कटिंग नहीं हो रही, तो हम एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 ओवर 15। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आई माइनस 8 ओवर 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 28 ओवर 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके सॉल्यूशन सेट आ गए, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ गई, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपको इसकी वैल्यूज समझ आ गई होंगी। अगर ना समझ आए तो मैं आपको रिपीट कर दूँगी, मेथड यही है, क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करनी है ये क्वेश्चन, ठीक है।